नमस्कार, घर का खाना से आता है खजाना चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ घर में आसानी से और झटपट बनने वाले मीठे पुए यानी गुलगुले की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और इसका स्वाद किसी का भी मन जीत सकता है। जब कभी आपका मीठा खाने का मन हो तो आप तुरंत इसे बनाकर खा सकते हैं। आमतौर पर इसे खास त्यौहार, धार्मिक कार्यों, पूजा में और व्रत में बनाने और परोसने का चलन हर जगह वर्षों से चला आ रहा है। हमारे यहाँ उत्तराखंड में भूमि देवता को पुए का भोग लगाते हैं। पूरे गाँव के लोग अपने घरों से आटा, गुड़ या चीनी देते हैं भूमि देवता के मंदिर में और पुए बनाकर भूमि देवता को भोग लगाकर इस प्रसाद को पूरे गांव में दिया जाता है। भूमि देवता को पुए बहुत पसंद है और इससे वो बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो चलिए पुए बनाना शुरू करते हैं। पुए बनाने के लिए हमें सिर्फ दो ही चीज़ों की ज़रूरत है। हमने यहाँ लिया है गेहूँ का आटा करीब 250 ग्राम, इसे हमने छान लिया है, और चीनी 150 ग्राम। अब हम एक गहरा बर्तन लेंगे और इसमें डालेंगे आटा, अब डालेंगे चीनी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। हमने आटा और चीनी अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम लेंगे पानी करीब 1 गिलास और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे हाथ से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें गुठलियां ना बने। बहुत ही अच्छे से फेंट लेंगे। दो से तीन मिनट तक फेंट लेंगे अच्छे से। इस घोल की कंसिस्टेंसी पकौड़े के घोल जैसी होनी चाहिए। हमने इसे अच्छे से फेंट लिया है, अब इसे ढककर 10 मिनट के रख देंगे। तब तक हम कढ़ाई में तेल गरम कर लेते हैं। कढ़ाई में तेल डाल देंगे और तेल को गरम कर लेंगे। तेल गरम हो गया है, गैस की आंच को मीडियम में कर लेंगे। घोल को 10 मिनट हो गए हैं, घोल तैयार हो गया है। अब इसे हम थोड़ा और फेंट लेंगे। अब हम हाथ से थोड़ा घोल लेकर तेल में डालकर चेक कर लेंगे कि तेल सही गर्म हुआ है या नहीं। देखिए ये तुरंत ऊपर उठ के आ गया है, इसका मतलब तेल गर्म है। तो अब हम हाथ से थोड़ा थोड़ा घोल लेकर तेल में डालते जाएंगे इस तरह से, और जितना कढ़ाई में आसानी से आ जाए उतने पुए हम डाल देंगे। और कुछ सेकंड्स के बाद इन्हें पलट देंगे और इन्हें बीच बीच में पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई कर लेंगे। पुए गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे।
सारे पुए हम इसी तरह से तलकर तैयार कर लेंगे। हाथों में थोड़ा थोड़ा घोल लेकर कढ़ाई में डालते जाएंगे। जितने कढ़ाई में आ जाए उतने, और इसे पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। पुए गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट मीठे पुए बने हैं। आप भी पुए बनाइए और खाइए। हमें उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने कमेंट हमें ज़रूर भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में जो बेल बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। नमस्कार।